हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 5 प्रो के एम आई यू आई सी एफ का 20.6.18 बीटा एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम के बारे में, जो कि रेडमी नोट 5 प्रो के लिए है। और यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा। फीचर्स क्या हैं, बग्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और इम्प्रूवमेंट हुई है कि न्यू हुई है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो ले, वहाँ भी आपकी हेल्प हो जाया करेगी, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे अपडेट्स भी मेरे जो है वहाँ पे आपको मिल जाया करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे अबाउट फोन में ऑल स्पेक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है हमारा एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है, और सिक्योरिटी पैच जो है यहाँ पे 5 जून 2020 की लेटेस्ट हमें देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे वर्जन जो है MIUI का CF का 20.6.18 बीटा हमें देखने को मिल जाता है, और कर्नल जो है फैंटम का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत लैगिंग देखने को मिलेगी, बाकी यहाँ पे जो है आपको टॉगल्स जो देखने को मिलने वाले हैं, ये सारे टॉगल्स हैं जो कि हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वॉल्यूम जो है कुछ इस तरीके से आपको वॉल्यूम पैनल मिल जाता है, और कोई भी बग देखने को वॉल्यूम पैनल में नहीं मिलता है। और पावर मेन्यू में रिकवरी एंड फास्ट बूट मोड देखने को मिल जाता है। और रिसेंट की बात करें तो कुछ एप्लीकेशन अगर आपके ओपन है, आप रिसेंट यूज़ करते हो, तो उसमें थोड़ी बहुत आपको लैगिंग देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे हमारा फ्लोटिंग विंडो जो है यहाँ पे काम कर रहा है, तब इसका जो है अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। एंड बोल्टी हमारा बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, और वीडियो कॉल भी आप यहाँ पे कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट बात करते हैं गैलरी के अंदर जो स्काई हमें देखने को मिलता है, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बात करते हैं यहाँ पे हमारा टूल्स के अंदर, तो टूल्स के अंदर FM हमारा वर्किंग है। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करते तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप इंटरनल साउंड जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड फ्रेम रेट जो है 60 FPS तक देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे MIUI कैमरे की, तो इसमें आपका जो है पोर्ट्रेट मोड फ्रंट काम कर रहा है। बैक पोर्ट्रेट मोड की अगर मैं बात करूँ तो बैक पोर्ट्रेट मोड जो है यहाँ पे आपका प्रॉब्लम करेगा, एरर हो जाता है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे वाटरमार्क ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप यहाँ पे क्लिक कर पाओगे। तो जैसे कि आपको सेटिंग्स में जा करके वाटरमार्क जो है यहाँ पे ऑफ कर लेना है, उसके बाद जो है आप पिक्चर क्लिक करो, आपको कोई भी एरर देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी की मैं बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी जो है यहाँ पे देखने को हमें मिलता है 1080 60 FPS तक जो है फिलहाल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे हमारे GCam की, तो GCam जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, और GCam में फिलहाल कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, तो GCam जो है आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तरीके से यूज़ कर पाओगे। और बात करते हैं यहाँ पे 3 finger hold जो कि स्क्रीनशॉट है, तो वो यहाँ पे मिलता नहीं है आपको, तो ये आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला, जैसे कि आप देख सकते हो तो ये यहाँ पे मिस है। बाकी यहाँ पे हमारा अनइंस्टॉल एनिमेशन की बात करें तो वो आपको यहाँ पे लेटेस्ट वाला ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैजिक की, तो ये चीज़ आप ध्यान से सुनना कि मैजिक जो है आपका यहाँ पे 20.4 वाला डिफॉल्ट इंस्टॉल रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो मेरा 20.3 है, तो मैं बाद में फ्लश किया हूँ 20.3, क्योंकि 20.4 वाले में आपको सेफ्टी नेट नहीं मिलने वाला है, और अपना प्ले स्टोर भी आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। तो कैसे करना उसी चीज़ मैं आपको बताने वाला, तो 20.3 आप फ्लश कर लेना यहाँ पे मैजिक, तो उसमें आपको सेफ्टी नेट तो मिल जाएगा। उसके बाद प्ले स्टोर को अगर मैं आपको दिखा दूँ तो प्ले स्टोर आपका जो है यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड रहेगा, तो मैं आपको दिखा दूँ नॉट सेटिस्फाइड आपका देख सकते हो, तो प्ले स्टोर इस तरीके से नॉट सेटिस्फाइड रहेगा। तो इसको कैसे फिक्स करना है, तो सिंपली आपको इसके ऐप इन्फो में जाना है, जब आपको वहाँ पे सेफ्टी नेट दिखा दो तो इसके ऐप इन्फो में जाके ये क्लियर कर देना ओल्ड डाटा बिल्कुल, और उसके बाद जो है इसका आप ओपन करोगे 2 से 3 बार, फिर उसके बाद देखोगे तो आपका जो है ये डिवाइस जो है सर्टिफाइड यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गूगल असिस्टेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड बात करें बैंकिंग ऐप की, तो बैंकिंग ऐप जो है हमारा यहाँ पे जीपे काम कर रहा है, मोबी क्विक की बात करते हैं काम नहीं करता, तो पहले आप इसका परमिशन सारी दे देना, उसके बाद ट्राई करना, अगर फिर भी ना काम करे तो मैसेज से हाइड करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी फ़ोनपे की बात करें तो फ़ोनपे जो है आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था, कुछ बैंकिंग ऐप काम करते कुछ नहीं काम करते। और बात करते हैं सेटिंग्स की, तो हॉटस्पॉट काम कर रहा है। कास्ट की बात करें तो कास्ट भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड बात करते हैं MIUI CF इंटरफेस के अंदर, तो यहाँ पे जो है हमारा कस्टम स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे स्टेटस बार आइकन भी देखने को हमें मिल जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क टाइप मिल जाता है, उसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आइकन मोड, जिसके अंदर आप सेंटर क्लॉक ये सारी चीज़ें इनेबल कर पाओगे, और नीचे आपको आइकन
के ऑप्शंस मिल जाता है जिनको आप हाइड कर पाओगे यहाँ पे। एंड कस्टम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे एनिमेशन मिल जाता है, सिस्टम एनिमेशन, और साथ साथ नीचे आपको मीडिया में डिसेबल रिबूट मेन्यू मिल जाता है, डिसेबल एक्सटेंडेड रिबूट मेन्यू मिल जाता है जिससे आपका रिकवरी एंड फास्ट मोड डिसेबल हो जाएगा, वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी डिसेबल यूएसबी ऑडियो देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। ये सारे ऑप्शन आपको कस्टम डिस्प्ले में मिलते हैं। एंड नीचे हमारा होम स्क्रीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको न्यू फीचर जो कि दिया गया यहाँ पे क्लासिक और हमारा जो ऐप ड्रॉयर दिया गया वो मिल जाता है। बाकी सर्च बार जो है देखने को नहीं मिलता है जो कि बाकी के रोम्स में ऐड किया गया, फिलहाल अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। नेक्स्ट अपडेट तक में भी फिक्स हो जाए, शायद वो भी दे दिया जाए, तभी फिलहाल वो देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। नीचे हमारा जो है स्पेशल फीचर्स मिलता है जिसके अंदर गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, माई वेल लैब एंड लाइट मोड देखने को मिल जाता है। डेवलपर ऑप्शन नीचे मिल जाता है, बाकी अबाउट एंड क्रेडिट्स मिल जाता है नीचे। एंड बात करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको अभी एमआईओ 11 की देखने को मिलती है और इसमें भी फिलहाल आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप इसका यूज़ करोगे इसको तो यहाँ पे जो है ये ब्लिंक करता है, अभी सही से जो है काम नहीं करता है, तो ये प्रॉब्लम आपको फिलहाल अभी देखने को मिलती है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल प्रॉब्लम कर रहा है सभी पोर्ट रोम्स में ही, एक पोर्ट रोम्स नहीं, सभी में काम कर, सभी में प्रॉब्लम ये कर रहा है अभी। बाकी यहाँ पे एज लाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है एंड डबल टैप टू बैक मिल जाता है। बाकी यहाँ पे नॉर्मली सारी सेटिंग्स हमें मिली जाती है, पहले जो थी वही सारी है। बाकी वॉलपेपर कर्सल मिल जाता है, क्लॉक फॉर्मेट मिल जाता है। बाकी चार्जिंग एनिमेशन जो है यहाँ पे नहीं दिए गए, वो सारे ग्लो फ्लो वाले वो सारे नहीं दिए गए, नॉर्मल डिफॉल्ट जो आपको ये वाला देखने को मिलने वाला चार्जिंग एनिमेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी डिफॉल्ट यही रहेगा और चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एंड नीचे जो है हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाता है, तो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं में। एंड आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक आफ्टर रिबूट मिल जाता है कि आप अपने फ़ोन को रिबूट करो इसको इनेबल करने के बाद, तो डायरेक्ट फिंगरप्रिंट से ही आप अनलॉक कर पाओगे, साथ साथ वाइब्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर रीडिंग मोड काम कर रहा है, डार्क मोड जो है हमारा बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, तो इसका जो है आप यूज़ कर पाओगे। डार्क मोड में आपको इंडिविजुअल ऐप भी देखने को मिल जाता है, बाकी डिसेबल कर सकते हो फंड्स। एंड नीचे हमारा देखने को मिल जाता है कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे सारी सेटिंग्स जो है पहले हमें देखने को मिलते थे वही सारी है, कलर नोटिफिकेशन आइकन्स ये सारे जो पहले देखने को मिलते थे वही सारे यहाँ पे फिलहाल कोई चेंजेस देखने को अभी हमें नहीं मिलता है। एंड यूज़ कंट्रोल सेंटर मिल जाता है और बैटरी इंडिकेटर में आपको बैटरी यहाँ पे जो है परसेंटेज एंड हाइट भी कर सकते हो, बाकी नोटिफिकेशन सेट मिल जाता है। नीचे आपको फॉन्ट साइज सेटिंग्स मिल जाता है एंड यहाँ पे ऑटो रोटेट जो है एप्लीकेशन पे काम करता है, सेटिंग्स में काम नहीं करता। और बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन हमें मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे नॉर्मली वीडियो जो कि प्रोफाइल वीडियो मिल जाता है, एडिशनल सेटिंग्स मिल जाता है एंड साउंड इफेक्ट मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पे MI साउंड एनहांसर जो है यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे जो है हमारा वॉल्यूम जो कि पैनल के लिए मिल जाता है सेटिंग्स। एंड नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन व्यू, आंसर टू मैसेज, अनरीड मैसेज, ये सारे ऑप्शंस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे होम स्क्रीन तो ऑलरेडी मैं दिखाई दिया हूँ, बाकी वॉलपेपर्स की अगर मैं बात करूँ MIUI 12 के सारे वॉलपेपर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड कुछ MI जो कि CF के भी वॉलपेपर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे थीम की बात करूँ तो थीम के अंदर हमें डिफॉल्ट 3 थीम देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे बात करूँ तो फॉन्ट्स में जो बग था कि डार्क मोड ऑन करते ही यहाँ पे जो है फॉन्ट्स हमारे हाइड हो जाते, तो वो फिलहाल अभी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे बग देखने को नहीं मिलता हो तो आप देख सकते हो, तो ये चीज़ जो है फिक्स है यहाँ पे। एंड आपको आइकन का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी थीम कंपोनेंट्स के अंदर हमारा यहाँ पे बूट एनिमेशन, बूट ऑडियो, फॉन्ट एंड रिंगटोन देखने को मिल जाता है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे थीम लैब की, तो ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर, वॉलपेपर साइड शो देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी के अंदर जो है हमारे यहाँ पे बैटरी ऑटोमाइजेशन, बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर मिल जाता है एंड लो बैटरी साउंड, लो बैटरी मैसेज, अडेप्टिव बैटरी, ये सारे ऑप्शन जो है मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। एंड नेक्स्ट ऐप की बात करूँ तो ऐप के अंदर हमारे सारे नॉर्मली सेटिंग्स मिल जाते हैं, बाकी डुअल ऐप भी हमारा यहाँ पे वर्किंग है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। बाकी एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जो है हमारा लैंग्वेज कौन कौन सी मिलती है, तो लैंग्वेज मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये सारी लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे मिल जाती है, तो काफ़ी लैंग्वेज है जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे अपने हिसाब से। बाकी यहाँ पे जो है फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अगर किसी एप्लीकेशन पे आप वो स्वाइप अप करते हो तो थोड़ा स्वाइप अप वाला जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करता है, कि स्वाइप अप जैसे कि बग एक है स्वाइप अप का कि प्रॉब्लम करता है थोड़ा बहुत कभी कभार, तो देखने को मिलता है। बाकी थोड़ी बहुत लैगिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी बटन्स जो है हमारा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो बटन्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे।
बटन में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं करती बटन्स कोई भी। अब आप बटन्स यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, आप देख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं मिलती बटन्स में। बाकी बाकी जेस्चर जो है, जेस्चर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे स्वाइप अप वाले में प्रॉब्लम करेगा। बाकी नोटिफिकेशन लाइट की बात करें, वर्किंग है यहाँ पे। एंड बात करते हैं यहाँ पे, क्विक बॉल मिल जाता है, 100 मोड मिल जाता है, एसेसिबिलिटी देखने को मिल जाती है, एंड स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाता है, उसके अंदर फोकस मोड हमें देखने को मिल जाता है। एंड नीचे स्पेशल फीचर्स ऑलरेडी मैं CF के इंटरफेस में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बाकी नीचे अकाउंट सेटिंग मिल जाते हैं। और बूट एनिमेशन की अगर मैं बात करूँ, तो बूट एनिमेशन जो है, मैं यहाँ पे ये कुछ बूट एनिमेशन देखने को मिलने वाला है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बूट एनिमेशन। एंड एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करो, तो 122,743 देखने को मिलता है, जो कि फिलहाल कम है। और पबजी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो गेम टर्बो है, आपको आइकन्स में नेम देखने को मिल जाता है, वॉइस चेंजर देखने को मिलता है, लेकिन वॉइस चेंजर जो है आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने आपके टीममेट को आपकी ओरिजिनल आवाज़ ही जाती है यहाँ पे, तो ये काम नहीं करता, सिर्फ दिया हुआ है लेकिन अभी वर्क नहीं करता ये चीज़। बाकी रोम से तो रिमूव कर दिया गया, लेकिन अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लेकिन काम नहीं करता। और ग्राफिक की बात करें, तो ग्राफिक जो है, हमें यहाँ पे HD का सपोर्ट मिल जाता है ग्राफिक में। और बात करूँ गेम प्ले की, तो PUBG में आपको लैगिंग तो देखने को मिलने वाली है यहाँ पे, तो जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लैगिंग देखने को मिलेगी। और टच रिस्पॉन्स में भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तेजी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप यहाँ पे जो है वीडियो 1080 पे प्ले करके 60 FPS पे जो है देखना, उसके बाद आपको जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पे लैगिंग जो है थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती है इसमें, बाकी रोम्स के मुकाबले लैगिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे टच रिस्पॉन्स में भी इशू थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे किस तरीके से टच जो है यहाँ पे काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे जो है ये लैग देखने को मिलता है, टच रिस्पॉन्स इशूज़ देखने को मिलते हैं। बाकी अगर अब आपके ऊपर है, जो मुझे बताना था मैं यहाँ पे आपको बता ही दिया हूँ, बाकी आपके ऊपर है आपको यूज़ करना नहीं करना, मेरा जो था मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बता ही देता, ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो टेलीग्राम है, वहाँ पे आप आके पूछ सकते हो। और इंस्टॉलेशन की बात करूँ, तो इंस्टॉलेशन जो है ऑरेंज फॉक्स से अगर आप इंस्टॉल करोगे, तो ऑफिशियल ऑरेंज फॉक्स से अगर आप इंस्टॉल करोगे, तो आपको जो है एरर 7 देखने को मिलेगा। इसलिए अब अनऑफिशियल ऑरेंज फॉक्स यूज़ करना या फिर आप कोई दूसरी रिकवरी जो है यूज़ करना, तो वहाँ पे आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। और यही सारी चीज़ थी इसमें। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या कोई कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होकर के आकर के पूछ सकते हो, वहाँ पे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ थी इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।